फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर जो गिव अवे है वो स्टार्ट हो चुका है। तो गिव अवे पर जो पहली लीला आई है, जिन्होंने शेयर की है, वही मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पर ये वीडियो जो ठाकुर जी का स्नान श्रृंगार हुआ था, तो ये वीडियो पहले की है, वही मैं आप सभी के साथ इनके श्रृंगार की वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि आप सभी वीडियो भी वॉच करें और जो हमारे लीला जो इन्होंने शेयर की है उसका भी आनंद आप सभी ले सकें। तो ये लीला शेयर की है कांता जोशी ने, जो कि देहरादून से हैं। और ये कहते हैं कि मेरे साथ कान्हा जी ने जो सत्य लीला की है, वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। वह बड़ी ही आश्चर्यजनक है, और अगर आज भी वो इसे याद करते हैं तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि आप कितनी बार भी कोशिश कर लें, परंतु कान्हा जी तभी आपके घर आते हैं, प्रभु तभी आपके घर आते हैं जब उन्हें आना होता है। और ऐसा कुछ खेल इनके साथ भी हुआ। तो ये स्टोरी शेयर की है इन्होंने अपनी मम्मी के साथ, जो कान्हा जी ने इनकी मम्मी के साथ लीला करी थी, तो वही इन्होंने शेयर किया है। इन्होंने लिखा है कि सब स्टोरीज़ जो हैं फ्रेंड्स, वो मुझे इंस्टाग्राम पर लिखित तौर पर ही आई थी, तो वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इन्होंने लिखा है कि हम कान्हा जी को बहुत मानते थे, लेकिन हमारे पास कान्हा जी का श्री विग्रह नहीं था, और हम भी चाहते थे कि कान्हा जी हमारे घर पर आएं, हम उनकी सेवा करें और उनका नित्य स्नान कराएं, उन्हें भोग लगाएं, लल्ला लल्ला कहकर उन्हें पुकारें, उनके वस्त्र लाएं, उनके साथ नैन से नैन मिलाएं, लाड लड़ाएं। तो एक दिन इन्होंने ये सभी कान्हा जी के मंदिर गए और कान्हा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे बांके बिहारी, कृपा करें और आप हमारे घर भी आओ, ताकि हम भी आपकी सेवा करें, हम भी आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपको लाड लड़ाना चाहते हैं, तुम्हें प्यारे बच्चे की तरह लल्ला लल्ला कहकर बुलाना चाहते हैं, तो कृपा कर अपनी मैया की पुकार सुन लो। और ऐसी प्रार्थना करते करते हुए एक साल बीत गया, और एक साल से ये प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु जो हैं वह इन्हें भी सेवा का मौका दें, इनके भी घर आएं। और इस तरह से एक साल बीत गया, परंतु कान्हा जी का आगमन इनके घर पर नहीं हुआ। काफ़ी उदास थे, काफ़ी मन ही मन चिंतित रहने लगे। तो एक दिन थोड़ा मन खराब हुआ और रोने का मन हो गया, तो ये मंदिर गए और कान्हा जी से बोला कि हे प्रभु, हम तुम्हारी इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन आप हैं कि हमारे घर ही नहीं आते, आखिर कब तक ऐसा चलेगा, कब तक आप हमारे घर नहीं आएंगे, हमें सेवा नहीं देंगे, आखिर कब तक ऐसा करेंगे, कभी तो हमारे घर आओ। ऐसा इनकी मम्मी ने कान्हा जी को कहा कि यदि आप, हे प्रभु, अगर आप कल मेरे घर नहीं आए तो मैं पूजा पाठ करना छोड़ दूंगी, क्योंकि अगर मैं आपके साथ आपकी सेवा नहीं कर सकती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो बस यह कहकर ये वहाँ से चले गए। फिर आगे इन्होंने लिखा है कि आप सभी यहाँ यकीन भी नहीं करेंगे कि अगले दिन क्या हुआ। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब मैं भी पढ़ रही थी तो मैं भी इस चीज़ का ज्ञात नहीं कर सकती थी कि कुछ ऐसा भी हुआ होगा। तो अगले दिन ठीक 1 बजे की बात है जो इन्होंने यहाँ पर लिखी है, और इन्होंने कहा है कि अगले दिन ठीक 1 बजे हमारे पड़ोसी आते हैं अपने कान्हा जी को लेकर, और कहते हैं कि माता जी, यह कान्हा जी आप ले लीजिए, हम यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम इनको दिल्ली नहीं ले जा सकते और अब हम इनकी सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपा कर आप इनकी सेवा कर लीजिए। तो दोस्तों, उस वक्त
इन्होंने लिखा है कि उस वक्त हमारे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि हमने कान्हा जी से ठीक एक दिन पहले ही प्रार्थना की थी कि हम सेवा प्रार्थना करना छोड़ देंगे अगर कल आप हमारे घर नहीं आए, और अगले ही दिन कान्हा जी इस तरह से इनके घर आए और इन्हें सेवा का मौका दिया। तब से ही ये कान्हा जी के प्रति इनका विश्वास प्रेम अटूट है और बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम बढ़ गया है कान्हा जी के प्रति, ऐसा इन्होंने अपनी ये लीला में लिखा है। तो ये जो लीला है कांता जोशी जी ने अपनी मम्मी की जो लीला है, स्टोरी है, कान्हा जी ने जो उनके साथ लीला की वो शेयर किया है। इन्होंने लिखा है कि मैं सभी मित्रों को यह बताना चाहती हूँ कि यह घटना मेरी मम्मी के साथ हुई थी, तब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैंने यह घटना स्वयं अपने आँखों से देखी है। जब से मेरी मम्मी के साथ कान्हा जी ने यह लीला रची है तब से ही मैं भी कान्हा जी के मेरा भी कान्हा जी के प्रति बहुत विश्वास बढ़ गया है और मैं भी चाहती हूँ कि कान्हा जी मेरे घर आए, मुझे भी सेवा का मौका दें। इसलिए मैं इसी वजह से कान्हा जी की सेवा के लिए इस गिवअवे में पार्ट ले रही हूँ ताकि मैं भी कान्हा जी को घर बुलाऊँ, उनकी सेवा करूँ और उनके साथ रहूँ। इसलिए मैं इनकी सेवा का वेट कर रही हूँ। जय श्री राधे। तो यही एक छोटी सी जो लीला है वो इन्होंने शेयर की है। तो वैसे तो फ्रेंड्स जितनी भी प्रभु की लीलाएं हैं सभी अद्भुत होती हैं। जो भी लीला दिल को छू गई वही मैंने आप सभी के साथ शेयर की है, जो हमारे गिव अवे का उद्देश्य था। और गिव अवे का सबसे बड़ा ये वाला जो इस बार रखा गया है उसका मकसद भी यही था कि प्रभु की जो लीला है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे जान सकें। तो बहुत खुशी होगी क्योंकि इनकी हर एक लीला बहुत अद्भुत होती है और इसे जानकर सभी को बहुत खुशी होती है। तो बस यही मकसद था कि ये प्रभु की छोटी छोटी लीलाएं हम सभी लोगों तक पहुंच सके, हम इसे जानें और बहुत अच्छा महसूस होता है ये सारी चीज़ें जानकर। तो कैसी लगी फ्रेंड्स ये प्रभु की छोटी सी लीला, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। गिव अवे का जो आप लोग सभी ने गिव अवे का वीडियो देखा ही होगा कि आप सभी को अब क्या करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग ये लीला जो है वह जान सकें, वह सुन सकें और उन्हें भी अच्छा महसूस हो। और हमारे जो प्यारे से पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने ये लीला शेयर की है वो हमारे गिव अवे के विजेता हो सके। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट बहुत ही प्यारी लीला जो कि बहुत इंटरेस्टिंग आई है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।